Assalamu alaikum, what's up everybody? This is your boy Bilal Saeed. ताकि आप लोगों के लिए एक लाइव शो परफॉर्म करना है, एक लाइव शो आ रहा है, तो मैंने अच्छी खासी इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार सा सेटअप के लिए तैयार किया है। और इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं ओपो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर। और आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ओपो फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस लाइक यू गाइज। और बड़ा मज़ा आने वाला है, आ जाए ताकि हम लोग फिर शो स्टार्ट करें। और मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँगा। एज यू कैन सी कि आवाज़ के अंदर बहुत सी मिठास आपको नजर आ रही होगी। यार एक जगह रहने देना आप इसको। तो बेसिकली ये एक लाइव परफॉर्मेंस है आप लोगों के लिए, पर आप ऐसे ही समझे कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। थोड़ा बीच बीच में चुगल मजाक मस्ती भी चलने वाला है कोई। और जल्दी से आप जो है अपने अपने रिक्वेस्ट भेज दें मुझे और फिर स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट सी के कौन कौन हमारे साथ है यहाँ पे इस वक्त। अच्छा जी, तो जब मैं जिस तरह से मैंने प्लान किया था, आई थॉट आई विल अधी रात फॉर यू गाइस फर्स्ट। और मैंने सोचा मैं खुद ही आप लोगों के लिए कीबोर्ड भी प्ले करता हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस ओपो पाकिस्तान और जो भी ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही है, ये एक एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस सेट है आप लोगों के लिए। आपने कभी इससे पहले मुझे नहीं देखा होगा कि मैं कीबोर्ड भी प्ले कर रहा हूँ और साथ गा भी रहा हूँ। तो खासी मेहनत हुई है, सो मेक श्योर यू गिव योर फीडबैक, और अच्छी वाली फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है।
सो मच एवरीबॉडी, आप लोगों का शोर मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है. कुछ लोग बीच में गा भी रहे थे, थोड़ा आउट ऑफ ट्यून गा रहे थे, लेकिन इट्स ओके, खैर है, चलता है लाइव शो. लेट मी रिफ्रेश माय पेज एंड सी हु इज ऑनलाइन विद मी राइट नाउ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. I think enough with showing off my piano playing skills. Ab baari hai ki main apne vocals pe zara focus karu. To next gana kaun sa sunna chahenge, jaldi 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 jo hai aap message kar bataein taaki main dekhu aap log kis gaane ka sabse zyada wait kar rahe hain. Acha ye bataye baari kaun sunna cha raha hai, jo jo baari sunna cha raha hai apne message karke mujhe bataein. Let's go with the next song. Koi guess kar sakta hai gana kaun sa hai? मेरी सोनी है. कौन? She's मेरी सोनी है. She doesn't need no good.
cappuccino, Elvi da bag, pretty lady, you da pnai swag, meri soni, she's meri soni, te sare takde, whoa, 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 jo si nachde, whoa, 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 te sare takde, whoa, 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 jo si nachde. यार बड़ा मजा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था गाता ही जाऊं इस गाने को. ओके जी, होपफुली आप लोगों को ये जो हमारी लाइव परफॉर्मेंस है वो लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है. आई होप यू लाइकिंग द एनर्जी द वाइब्स. और अगेन जैसे आप सब लोगों को पता है कि ओपो पाकिस्तान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आप लोगों के सामने आके इस तरह से परफॉर्म कर सकें. एंड आई वांट स्पेशली थैंक्स टू माई ओपो रेनो 3 प्रो, जिसकी वजह से इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी, इतने अच्छे विजुअल्स आपको मिल रहे हैं. और मेरी आवाज़ तो वैसे भी अच्छी है, लेकिन अब आपको ज़्यादा अच्छी आ रही होगी. कौन सा गाना गाए नेक्स्ट? मतलब साहब ये जरा इसको देखेंगे एक सेकंड. थैंक यू. कौन सा गाना नेक्स्ट? लेट्स हैव सुरूर. शमा हो गया उड़ीक तेरी कर दे, उड़
so much, everyone. अच्छा जी, आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने बिल्कुल आ चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ. अच्छा जी, 12 साल कुछ लोग कह रहे हैं, 12 साल सुना दें. आधी आधी रात तो मैंने गा दिया आपके लिए ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ओप्पो इज बेस्ट भाई, ओप्पो के तो अपने बड़े फैंस हैं जी. बिल्कुल सही बात है यार, ओप्पो के साथ ये लाइव सेशन करके इतना मजा आ रहा है मुझे. आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे. नेक्स्ट सॉन्ग. नो, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा जी, नेक्स्ट गाना जो मैं आपके लिए गा रहा हूँ, इस गाने का नाम है, थैंक यू स्टीव भाई, इस गाने का नाम है जी स्नैपचैट स्टोरी. सो आर वी रेडी मिस्टर स्टीव, मिस्टर एलेक्स, गुड टू गो. किस फुल च रही मैं तके आए सारा जग ही सारे कर देने टाइम पास कर दाने कोई दे जगह केड़ा लै दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू फाइव स्टार कितों लभेगी नी सोनी है नी मेरे जया दूजा कोई आ केड़ा लै दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू फाइव स्टार कितों लभेगी नी सोनी है नी मेरे जया दूजा कोई आ झूठ जो बोलती जरा भी नहीं डोलती
दी है रोज नवी प्यार दी है स्टोरी पर मेरी रानी तेरी है नदानी तेरे नाल सदा तेरी रहेगी जवानी तेरे दया किणी है अता ते मैं गिणी है साडे नाल चलनी नी तेरी मन मानी तू समझी बना गई है तू फूल ते सोनी है नी साडा एक रूल पहला रज के नी सही फिर एंड ते ही करी दजगा खेड़ा ले दे तेनू तेनू जैगवार जैगवार फिर आवे तेनू फाइव स्टार इतों लभेगी नी सोनी है नी मेरे जया दूजा कोई केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू फाइव स्टार इतों लभेगी नी सोनी है नी मेरे जया दूजा कोई तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी की में मुक गई ना पता चलिया तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मैं तां रावां विच वैवें रुलिया थैंक यू अपने लिए खुद ही तालियां बजाते हैं सिंस उनकी तालियों की आवाज हमें वैसे तो दिल से आ रही है लेकिन कानों से नहीं आ रही हाँ जी तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे फौरन बताएं अच्छा जी बारिश सॉन्ग की रिक्वेस्ट है बारी की रिक्वेस्ट है और वाओ मैन चलिए जी नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा गा रहे हैं हम इनके लिए अच्छा एक चीज मैं जो बेसिकली एक ये लाइव शो आप लोगों के लिए करने का मकसद क्या है सो बेसिकली वी आर हियर नॉट जस्ट टू एंटरटेन यू लेकिन हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए अपने घरों में रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो यही है कि आप अपने घर में रहें सो दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टे होम स्टे सेफ और हम हैं आपको एंटरटेन करने के लिए ओपो इज़ हियर दो तीन और भी परफॉर्मेंसेज आपकी लाइनअप की हैं इन्होंने सो आप लोग जो है वो बैठकर ये जो ओप्पो लाइव सेशन है ये एंजॉय करें अपने अपने घर में रहें और जितना हो सके आप इस वक्त कोऑपरेट करें ताकि जल्द से जल्द हम इस पैंडमिक से हमारी जान छूटें और फिर हम आपके लिए आके बाकायदा लाइव परफॉर्मेंस करें आपके बिल्कुल सामने रूबरू होकर वाह क्या उर्दू है ओके जी सो उर्दू से मुझे याद आया कि उर्दू गाना तो हम नहीं गा रहे ना ओके व्हाट इज़ द नेक्स्ट सॉन्ग लंबियाँ जुदाइयाँ करते हैं Okay, I would like to dedicate this song to all my fans who have been coming to my shows, all my fans who are listening to me right now. Thodi si lambiyan judaiyan is waqt hamare beech mein hain, lekin because of OPPO, bahut kam ho gaye hain, especially with my Reno 3 Pro. Game bilkul on ho gayi hai, game strong hai apni. To aapke liye specially perform karne ja rahe hain. Awaaz Bilal Saeed, guitars Steve. और कीज पे है एलेक्स हियर वी गो
बहुत ज़्यादा कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रहे हैं आप सबकी और कोशिश करेंगे कि उनमें से ज़्यादा पूरी की जाए, लेकिन वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ना सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर बल्कि बहुत सारे मुल्कों से बैठे इस वक्त हमें देख रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। देखें आज के दौर पर हमें क्वारंटीन करना पड़ रहा है जब डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि देखिए हम घर पे बैठे हुए मैं आपके लिए एक लाइव शो परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये इतना मुश्किल नहीं है घर पे रहना। आई थिंक इट्स ईजी। बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मैं बैठ के म्यूज़िक बनाता रहता हूँ, और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म जैसे ओपो ने आज ये अपॉर्चुनिटी दी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं, अभी भी आपको इंटरटेन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट गाना कौन सा हो जाएगा? है जी नहीं, आई थिंक इट्स टाइम कि हम कौन सा गाना करें जिसका है इंतजार वो शाहकार कर दे हम। चले एक काम करते हैं, अगला ना गाना रिक्वेस्ट लेते हैं। सही, दो रिक्वेस्ट इसमें 12 साल की है, एक मेरे सामने रिक्वेस्ट है जी खैर मंगती की, और जिस तरह के ये एक कमेंट है जिस पे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे विश कर दें जिस जिसकी आज भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू गाइज, एंजॉय करें, केक अकेले अकेले खाएं, कोई मसला नहीं है, गिफ्ट शिफ्ट बाद में मिल जाएंगे। हाँ अच्छा जी, परांदे की रिक्वेस्ट आ रही है, बारी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। बारी जो है ना उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम है, जब तक हम बारी तो नहीं लेकिन 12 साल की तरफ जा सकते हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू गो फॉर 12 साल। गिटार प्ले करने का असल में मुझे शौक हुआ था, तो साथ साथ जरा हेवी गो 12 साल।
मजे मचियां चिराया बारा सा डोली लागे पर खेड़े आके ना फिर मेरे जेवी पूछे आ सवाल के सब दस केड़ी गल्लो चली है तू जा हाल मजनू दा होया वे हा ओ ससी पुन्नू दी की देवा मैं मिसाल ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे या पुराने इश्क वाले आदा होया बुरा हा यो सुन लो इश्क बेपरवाह इश्क बेपरवाह इश्क बेपरवाह जो करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा होवे क्या इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह इश्क बेपरवाह जो करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा होवे क्या ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਵਸਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹਸੀਨ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਦੇ ਹੁਣ ਗਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਨੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਮੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸੀਆਂ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੀ ਛੱਡੀ ਉਹ ਨਾ ਸੋਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਗਾਂਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਗਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਗਾਣੀ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੇ ਫਨਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋ ਵਸ ਵਸ ਤੇਰੂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਫਾ ਰਾਜ ਮਜੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਵਰਸਾ ਡੋਲੀ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਖੜਿਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜਾ ਹਾਲ ਮਜਨੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾ ਸਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਿਖੀ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਯੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਫਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ
समझ में नू आवे ना क्यों रो दे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई Thank you so much, everyone. Time to read some comments. अच्छा जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बिलाल पाजी क्या बात है वाह जी वाह अच्छा जी खैर मंदी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है जनाब आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है और कमेंट्स में एक बंदे ने आके लिखा जी बेबी डॉल भी गा दें बाबा डॉल गा सकता हूँ मैं बेबी डॉल का मुझे कोई आइडिया नहीं है गुड टू सी एलेक्स शबाज उफ एलेक्स बड़े मशहूर आदमी हैं बिलाल प्लीज सिंह तेरी खैर मंगती सर इट्स बारी टाइम अच्छा जी बारियां खुल चुकी हैं आपके दिलों की सिर्फ दिलों दी बारियां खुलनी चाहिए घर दी बारियां बंद रखो इस टाइम गड्डियां दी भी बारियां बंद रखो अगला गाना गाते हैं आपके लिए आई गेस इट्स टाइम टू सिंग बारी वैसे नॉर्मली तो हम बारी लास्ट पे करते हैं आज भी वैसे करना है लास्ट पे नहीं 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 अभी करना चाहिए सब मुझे अपना एक एक दिल निकाल कर भेजें कमेंट्स में मैं सारी स्क्रीन को कमेंट्स बॉक्स को पूरा दिलों से लालो लाल देखना चाहता हूँ तेरा भी दिल उड़ना चाहे पर तू डर दी है तू उड़े ते तू हवा वा नाल लड़ दी है क्यों तेरा भी दिल उड़ना चाहे पर तू डर दी विच संभाले तू ऐसे लही ते दिल ते अपने ला
लड़ लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तेरे लई ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे ओ तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे तू करके उचिया दीवारा रख ले भावे दिल दे चार च फेरे नाले सांब के रख ले दिल तेरे दिल च मैं लाड़े डेरे ते तेरा पहला भी दिल टूटे तेरा ताई दिल दी दीवारा ते तू इकड़ा बनाई बारी तेनू तकिया होश ही भुल गई गरम गरम चा हथ ते डुल गई ओ तेनू तकिया होश ही भुल गई गरम गरम चा हथ ते डुल गई हथ ते डुल गई चा सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जांदी जांदी दसदी जा तू की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उचिया दीवारा मैं सुनिया उचिया दीवारा मैं सुनिया उचिया दीवारा मैं सुनिया उचिया दीवारा नी तू दिल दे चार च फेरे ना हिसाब गे रख दिए कोई दिल च ना ला ले डेरे मैं सुन दिल टूटिया तेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारा ते तू एक ना बनाई बारी वाह जी वाह दिल 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 देख के मेरा जो दिल है उसको सुकून मिल गया वाह जी वाह लोगों को काफ़ी पसंद आया बारी थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों ने इस गाने को इतना प्यार दिया एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा आप लोगों के लिए इट्स नॉट अ सरप्राइज एनी मोर जो मेरे फैंस मुझे फॉलो कर रहे हैं आपको पता है कुछ ही दिनों में लाइक दो से तीन से चार दिनों के अंदर अंदर मेरा नया गाना आ रहा है जिसकी एक लाइन भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी जिन्हें भी मैं अज तक लिखे लव सॉन्ग ते सारे तेरे उत्ते जच दे और इसमें एक बड़ा मजेदार एलिमेंट आपके लिए हाय वे सो द सॉन्ग विल बी आउट इन फ्यू डेज और स्टे ट्यून फॉर दैट एंड वंस अगेन द नेक्स्ट सॉन्ग व्हाट इज द नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा गाना मुझे क्यों लग रहा है कि बारिश बारिश जैसा माहौल हो रहा है कुछ बारिश होनी चाहिए कुछ शेर व शायरी होनी चाहिए कुछ उर्दू का एक बड़ा फड़कता शेर होना चाहिए जो कि बजाते खुद मैंने अपने हाथों से लिखा है तो हो जाए जी जी जिसको ये पहला शेर आता है उसकी लाइनें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जल रहा हूँ तेरी दूरियों में दूर कहीं तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी आज आई है फिर से याद तेरी आज लगता है फिर बारिश होगी मुश्किल दिल समझाना तैनू सजना पैना आना जागे फिर एक दर
दर्द पुराना को बिठा के तैनू सुनाना मर जाने इस चंद्रे दिल दी पूरी हो जाए ख्वाहिश जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे वो 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 काली रात ते होवे पई बारिश तेरी याद करे कोई साजिश नाले दिल दिए फरमाइश तू एक बारी आ जावे होना अखियां दावी नित हज होना माफ करी जे वेखी जावा वेखने दान यूं चज अज होना लाके सीने दे जा मैनू सावा दी गरमाइश जे एक बारी आ जा जावे जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे थैंक यू सो मच ओके जी कमेंट्स में क्या क्या आ रहा है वाह जी वाह यार इतने सारे इतनी जल्दी आपके कमेंट्स आ रहे हैं अभिषेक मैं उनको बड़े आराम से बैठ के सुकून से पढ़ भी सकता साथ साथ आपको रिप्लाई भी करता जैसे चले कुछ पढ़ते हैं कमेंट्स निशान अली कह रहे हैं बिलाल भाई अल्कोहलिक हैं अच्छा ठीक है ओके जी 12 साल प्लीज़ गा दिए जी हमने सुलेमान असलम कह रहे हैं से हाई टू मी हाई सुलेमान होप यू डूइंग वेल और सैयदा सादात गिलानी कह रही हैं वाओ आई लव दिस ओके थैंक यू और तमीर अख्तर कह रहे हैं बेबी तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी अच्छा तो मेरे फैंस को गाने सारे याद होते हैं यार ये बड़ी मजेदार मुझे लगता है जितने जितने मेरे फैंस हैं ना वो उस वर्ड के बादाम खाते हैं हाजमा बहुत अच्छा है उनका और बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो वक्त चल रहा है आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इससे पहले हमने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं है दिस इज़ वेरी न्यू फॉर दिस जनरेशन लेकिन यकीन माने कि घरों पे बैठने का मौका ज़िंदगी में शायद हमें इस तरह से ना मिलता जिसको कहते हैं ना कभी कभी आपको मुसीबतें जो हैं वो अलग तरफ से आती हैं इम्तिहान होता है हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है इसको लेकर लेकिन हम इसमें से अगर पॉजिटिवली कुछ सीखे तो ये है कि जो हम छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में करते थे जैसे सुबह उठ के तैयार होके लोग ऑफिस जा रहे होते थे गाड़ी ड्राइव करते हुए गाने सुनते या गाने ना भी सुनते हुए तो वो छोटी छोटी चीज़ें कितनी खूबसूरत थी जैसे दोस्तों के साथ बाहर बैठ के कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लिया
तो हम इन हम ये कर सकते हैं इस टाइम पे उन छोटी छोटी चीज़ों को की कदर हमें अब आके हो रही है, और इंशाल्लाह जब हम इस बुरे वक्त से निकलेंगे तो हम सबको ये चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। कभी कभी घर पे खाना बना लें, ज़रूरी नहीं है कि घर वाले ही खाना बनाएं, जैसे मैं बनाता हूँ खाना आजकल। कभी कभी आप बाहर निकल के गार्डनिंग खुद करें, ज़रूरी नहीं है कि सारा आप माली के सर पे काम डाल दें। कभी ड्राइव खुद करें, कभी अपने पेट को लेके वॉक पे निकलें आप। मतलब ये रेगुलरली हम चीज़ें नहीं कर सकते थे, और ये भी हमें पता चल गया है कि कितना ज़रूरी है कि हम हाइजीन का ख्याल रखें, हमारे लाइक साफ़ सुथरा रहना वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियाँ भी नहीं होंगी, तो बंदा रोज़ नहाए तो कोई मसला भी नहीं है दे चाहे। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग, सिंस हम नहा के बड़े तरोताज़ा होके बैठे हैं आपके लिए। तो स्टीव भाई ने तो स्पेशली क्लीन शेव करवाई है, ज़रा दिखाएं आप न्यू लुक तो दिखाएं स्टीव भाई की, आप बड़ी ज़रूरी है ये, दिखाएं दिखाएं। ओके जी, नेक्स्ट सॉन्ग हम परफॉर्म करने वाले हैं आपके लिए, खैर मंगदी तो मैं एंड पे परफॉर्म करने वाला हूँ, उससे पहले हम परफॉर्म करेंगे दिल्ली वाली। हाँ मेरे ख्याल में दिल्ली वाली कर सकते हैं, चले जी दिल्ली वाली करते हैं, लेट्स डू।
दीवानी नी दिल लह गई ये जान कह गई ये ते जान लह गई ये दिल्ली वाली नी दिल लह गई ये Okay, जी, it's just a different feeling. Okay, लोग कह रहे हैं जी उनकी जो feelings हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो enhance हो गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है. And मुझे लग रहा है, I'm really honored कि इस बहुत आपको help out कर पा रहा हूँ. Of course through OPPO's platform. और thank you so very much OPPO once again for giving me the opportunity to convey this. मैसेज टू द पीपल जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त फॉलो करें, अपने अपने घरों में टिके रहें और सोशल आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इसका ख्याल रखें. और वी गोना गो फॉर द लास्ट सॉन्ग विच इज़ खैर मंगदी. और ये मेरे दिल से आप लोगों के लिए इस वक्त मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, हम सब जो हैं अपने लिए नहीं तो एक दूसरे के लिए कम से कम घरों में टिके रहे. इस चेन को हमें तोड़ना है, रोकना है, ताकि फिर से वो दिन वापस आए. बाहर निकलेंगे, मास्क पकड़ेंगे, ऐसे हवाओं में उड़ाएंगे और खूब मजे करेंगे. सो तेरी खैर मंगदी डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच OPPO फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू OPPO Reno 3 Pro. इतनी बैंग ऑन क्वालिटी के साथ आपको ये इस वक्त लाइव परफॉर्मेंस जा रही है कि दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया है. रब कर तेनू कोई इंज याद आवे ना, बारिशां दा मौसम तेरी अख वल जावे ना, साडियां नसीबां विच लिखियां जुदाइयां वे कदों दूर होणियां ने तन्हाइयां. इक तेरी खैर मंगदी
दुनिया ते आके एक कीता तेनू प्यार तेरे उत्तो कीती सी मैं जान वी निसार विच पर देसा बह के भेजे मैनू नोट जड़ी दिती है जुदाइया वाली दिल उत्ते चोट मैनू चाहिदी नी तेरी है कमाई तेरी बेवफाई रस मैनू नहीं आई तेरी है जुदाई आजा मुड़ वतना नू देवा है दू everybody, thank you for joining us. Jitne bhi log is waqt live dekh rahe the, thank you so much. Thanks to OPPO once again for giving me the opportunity to connect with you guys. Aur inshallah koshish karenge aur bhi aap logon ke liye is tarah ke sessions hote rahe. Stay tuned, stay home, stay safe, and we will entertain you. Thanks.